हाय गाइस, ये है माय 11 सर्कल फैंटेसी पिक ऑन ESPN क्रिकिनफो में हूं रौनक कपूर और मेरे साथ जल्द जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट ब्रैड हॉज एज वी गिव यू आवर फैंटेसी टिप्स फॉर द बिग बैश लीग मैच बिटवीन होबार्ट हरिकेन्स एंड ब्रिस्बेन हीट। तो ये मैच 3 जनवरी को खेला जाएगा बेलेरिव ओवल होबार्ट में और शुरुआत करेंगे हमारी प्रो टिप के साथ विच इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड बेलेरिव ओवल इन होबार्ट। और हमारी टिप यही कहती है कि ये एक ऐसी पिच है, ऐसा ग्राउंड है जहाँ वी सजेस्ट दैट यू गो फॉर बैट्समैन जो थोड़े कॉशियसली खेले, अपनी इनिंग्स बनाए, रिलायबल बैट्समैन रादर देन द बिग हिटर्स, क्योंकि दैट्स व्हाट द डेटा सजेस्ट फ्रॉम द बेलेरिव ओवल इन होबार्ट। लेट्स गेट ब्रैड हॉजेस थॉट्स एज वेल। बोथ टीम्स डेस्परेट टू गेट सम विन्स टुगेदर, इट्स बीन अ हॉट एंड कोल्ड सॉर्ट ऑफ स्टार्ट फॉर बोथ ब्रिस्बेन Heat and Hobart Hurricanes. Hodge, big game this. Yeah, it's a huge game, Ronak. And you mentioned that it's generally a good surface and a good place to bat. Not many wickets fall. High scoring ground up around 180. So yeah, they desperately need to win the Brisbane Heat, but also Hobart, you know, they're 4-2, I think. So yeah, each side just needs to creep up that table as much as they possibly can. ऑलराइट, चलिए हमारी टीम की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट आवर सजेशंस आर। उसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि माय 11 सर्कल ऐप पे यू हैव टू मेक योर फैंटेसी टीम विद इन द 100 क्रेडिट्स दैट आर प्रोवाइडेड। ईच प्लेयर का इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर आपको दिखेगा एंड अकॉर्डिंगली नीड टू पिक द प्लेयर्स फ्रॉम 4 कैटेगरीज दैट इंक्लूड्स बैट्समैन, बोलर्स, विकेट कीपर एंड ऑलराउंडर्स। एंड रिमेंबर, यू कैन पिक अ मैक्सिमम ऑफ 7 प्लेयर्स फ्रॉम वन साइड। तो एक टीम से आप सबसे ज्यादा से ज्यादा 7 प्लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और चलिए, हम तो आपकी मदद करेंगे ही, साथ ही ब्रैड हॉज के एक्सपर्ट ओपिनियन होंगे। तो लेट्स हैव अ लुक एट आवर रेकमेंडेड 11। शुरुआत करेंगे हमारे टॉप पिक्स के साथ और हमारी कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक्स। इस मैच के लिए हम मैट रेनशॉ को कैप्टन रेकमेंड करेंगे फ्रॉम द ब्रिस्बेन हीट। ही कम्स फॉर 9 क्रेडिट्स ऑन द माय 11 सर्कल ऐप। और जहाँ हरिकेन के जो बॉलर्स है वो फॉर्म में है और अगर उन्होंने जल्दी विकेट्स लिए जिस तरह वो लेते आए हैं इस बिग बैश लीग में, तो मैट रेनशॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। ही इज गॉट रन्स इन मोस्ट ऑफ द गेम सो फार एंड आजकल विकेट भी निकाल रहे विद सम ऑफ हिज पार्ट टाइम ऑफ स्पिन, सो दैट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू। वाइस कैप्टन पिक इज रायली मेरेडिथ फ्रॉम द होबार्ट हरिकेन्स। 8.5 क्रेडिट्स, फास्ट बॉलर है और ही इज गॉट अमंग द बेस्ट इकोनॉमी रेट्स इन द बिग बैश लीग फिलहाल। और हर मैच में विकेट लेते आ रहे हैं रायली मेरेडिथ, सो इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू एज वाइस कैप्टन। और बड़े ध्यान से अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन को पिक करना। दे गिव यू ट्वाइस द पॉइंट्स द कैप्टन एंड 1.5 टाइम्स द पॉइंट्स द वाइस कैप्टन। कुछ और टॉप पिक्स की तरफ बढ़ते हैं। जिमी फॉकनर जो होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से ऑलराउंडर है, ऑस्ट्रेलिया के एक अनुभवी खिलाड़ी है, 9 क्रेडिट्स में आपको मिल सकते हैं। और जिस तरह हमने आंकड़े बताए आपको, एक 150ish सॉर्ट ऑफ विकेट है, तो फॉकनर जो जिनके पास 3 मैच में 7 विकेटे हैं, ही कुड बी द परफेक्ट ऑलराउंडर फॉर दिस काइंड ऑफ गेम एंड हिज रन्स कुड कम इन हैंडी एज वेल। अदर देन दैट देयर इज क्रिस लिन, और एक बार क्रिस लिन फायर कर लेते हैं देन यू नो व्हाट ही कैन डू। 9.5 क्रेडिट्स फ्रॉम द ब्रिस्बेन हीट। और पर्थ स्कॉचेस के खिलाफ जो उनकी एक बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी, क्रिस लिन ने पर्सनली उसकी जिम्मेदारी ली। ही सेड दैट दिस वॉज एम्बेरसिंग अगेंस्ट द पर्थ स्कॉचेस, सो क्रिस लिन चाहेंगे कि ही विल मेक अमेंड्स इन दिस मैच। And you think that you can't keep ignoring Chris Lynn. He is going to tee off more often than not. Saath hi Darcy Short, जो होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से आपको ऑलराउंडर ऑप्शन में मिलेंगे। डार्सी शॉर्ट, इट्स इंटरेस्टिंग दैट द फैंटेसी पिक्स नाउ कॉल हिम ऑन ऑलराउंडर, बट 9.5 क्रेडिट्स फॉर डार्सी शॉर्ट ऑन द माय 11 सर्कल ऐप। और इंडिया टूर के लिए उनका चुनाव भी किया गया है, तो ही विल बी लीविंग द बिग बैश लीग सून और इंडिया टूर की तैयारी करेंगे और एक इंप्रेशन बनाना चाहेंगे डार्सी शॉर्ट। इनफैक्ट ही कुड इवन बी अ कैप्टन और वाइस कैप्टन पिक। चलिए, लेट्स रिमाइंड यू ऑफ आवर पिक्स देन। मैट रेनशॉ एज कैप्टन, रायली मेरेडिथ Vice Captain, James Faulkner, Chris Lynn, and Darcy Short. Brad Hodge, any thoughts on that? Any other suggestions that you'd give for your top picks or captain or vice captain? No, I like that. I certainly like Riley Meredith as vice captain. I'd also try and consider Tom Banton as well. I think he's due for some runs. Certainly anyone in that lineup for the Brisbane Heat is in due for some runs, and also Ben Cutting as well. But I certainly think you've picked a good crew of all-rounders. You've done your cagey work. If you can't get some of the bat, you'll get some of the ball. That's what we've gone for this game, Hodgie. And Hodgie has mentioned Ben Cutting. Unka naam bhi shamil hai hamari final 11 mein. Let's have a look at some value picks. Aur aise players jo aapko achhe rate mein milenge, achhe credit score mein milenge on the My 11 Circle app. Ben Laughlin is there, the Brisbane Heat bowlers. 9 credits. And pichle match mein he became the first bowler to 100 BBL wickets. And is also on the Brisbane Heat's joint top highest wicket taker so far. So Ben Laughlin, someone you can go for. Saath hi Ben McDermott, the wicket keeper option, you can go for. 9 credits from the Hobart Hurricanes. Aur pichle match mein unhone 50 banayi thi.
this venue. So you could think that with the reliance on Darcy Short or jab wo niklenge to Ben McDermott ko zimmedari leni hogi once Darcy Short leaves for Australia duty. So Ben McDermott, another of our value picks. As we look at our full 11 now, and as I've said, wicketkeeper Ben McDermott. Batsman would be Chris Lynn, Matt Renshaw. Renshaw jo humne recommend kiya, aap apna captain banaye. Caleb Jewell, jo har match mein thode bahut run bana hi rahe hai, comes in at a good price. David Miller as another batsman option at 9 credits. You know all about David Miller, agar aap IPL dekhte hai ya international cricket bhi dekhte hai South Africa ki taraf se. And all-rounders, you've got Darcy Short, Ben Cutting, as Brad Hodge mentioned, Jimmy Faulkner as well. And the bowlers, we've gone with Riley Meredith, who could be your vice-captain, 8.5 credits on the My 11 Circle app. Qais Ahmed, the young leg spinner, jinhone kaafi ek bada impression banaya hai apna so far in the season, bowling for the Hobart Hurricanes, 9 credits for him. And Ben Laughlin, as well as one of our value picks at 9 credits. The total credits used will be 99, toh aapka ek balance credit bhi bachega. Thoughts on that team finally, Brad Hodge? Yeah, not too bad actually. I think it's pretty good. I like Ben McDermott in there, and certainly like Darcy Short, no doubt, and Chris Lynn there certainly should get you some points. And also Qais Ahmed, yeah, he's been an excitement machine for the Hobart Hurricanes, and Riley Meredith with his pace. So all in all, looks like a pretty good side. Maybe Simon Malenko as well, who's another all-rounder that might do a job for Hobart if you can squeeze him in for a cheap buy. Great, so you've got that extra option as always from Brad Hodge, which gives you a little flexibility. So you ध्यान से अपनी टीम को पिक कीजिए और याद रखिए कि टॉस के बाद प्लेइंग 11s को देख के ही अपनी फाइनल फैंटेसी टीम कंफर्म कीजिएगा. दिस वाज माय 11 सर्कल फैंटेसी पिक ऑन ESPN क्रिकिन फॉर